नमस्कार दोस्तों, मैं नंद दोस्तों आपसे साथ में लेके आया एक और नई शानदार कमाल की टेक वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गूगल ने आज ऐलान किया है कि उसकी तरफ से जो है गूगल प्ले स्टोर से सैकड़ों ऐसे ऐप्स को हटाया जाएगा जो नियमों का उल्लंघन करके डिजिटल लोन मुहैया कराते हैं। इनमें से कई सारे ऐप पर यूजर सेफ्टी गाइडलाइंस का उल्लंघन का भी आरोप है। गूगल ने अपने ब्लॉग में कहा कि हमने डेवलपर्स से इस बारे में जानकारी हासिल की है, साथ ही ऐसे ऐप्स की पहचान की जा रही है जो लोकल लॉ और रेगुलेशन का उल्लंघन करके फ्रॉड डिजिटल लेंडिंग करते हैं और ऐसा करने वाले ऐप्स के खिलाफ बिना नोटिस जारी किए ही कार्रवाई की जाएगी। तो गाइस काफी बड़ी जो है यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है और गूगल की जांच जो है तेजी से चालू हो गई है। गूगल ने कहा कि आम लोगों और सरकारी एजेंसियों की ओर से सबमिट किए गए फ्लैक्स के आधार पर इन ऐप्स को रिव्यू किया गया है और इसके बाद इन ऐप्स पर कार्रवाई की जाएगी। कंपनी की तरफ से अब तक कई सारे डिजिटल लैंडिंग ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया है। गूगल की तरफ से डिजिटल लैंडिंग ऐप से लोन के रिपेमेंट, अधिक सालाना ब्याज दर के बारे में जानकारी हासिल की गई है। गूगल से साफ किया गया है कि उसकी तरफ से ऐसे ऐप्स को इजाजत दी गई है जो 60 या 60 से ज्यादा के लिए लोन देते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है काफी सारे ऐसे ऐप्स है जो कि फ्रॉड करते हैं और ज्यादा कर्ज जो है वसूलते हैं, उन ऐप्स के लिए जो है कार्रवाई की जाएगी। गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी हर एक वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।